दोस्तों करवा चौथ महारानी की जय। आज हमारे चैनल दोस्त देखिए करवा चौथ है और निवट के दोस्तों आप लोग पूजा बड़े प्रेम से भाव से स्त्रियाँ करती हैं, तो आप लोग की दोस्त के लिए और करवा चौथ की हमारी तरफ से दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मंगलमय हो, आपकी सुख परिवार की सुख संपत्ति हो। तो देखिए हमारे हाथ में हमने पूजा वूजा के लिए ये गणेश भगवान की और हमने ये वो रखा है चौ, इसे पीला फंदे को ये दीपक जलाया है और ये इसे हमने भरा हुआ है। तो इस तरह से आप जोड़कर हमने मिलता है कोल को, उसमें उसका मिट्टी का मिलता है और मिठाई का। तो आप लोग जैसे आपकी रीति रिवाज होती है तो उस तरह से आप मिलिए और पूजा कीजिए। हमने पूजा की देखिए हाथ में चावल रोली और फूल लिए हैं। तो आप पहले आरती पढ़ें, फिर आरती के बाद पूजा करें। देखिए पहले आरती बोलो करवा चौथ महारानी की जय। कार्तिक वदी चार को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी कर मूर्छित होकर गिर पड़ी और जब सब भाई यह देख कर रोने लगे और जल में जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट वृक्ष पर चढ़कर चलनी से दीपक दिखाकर महन से कहा, चंद्रमा निकल आया है, अब अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छीक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सहयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली, हे माँ वाह इस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। ब्राह्मणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना सूर्योदय चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था और वह सब उसी के फल से हुआ है। अतः यह सब तुम 12 मास के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत बड़ी श्रद्धा व्रत और भक्ति से विध पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती के विध पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। इन सब बातों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सुदर्शन जीवित हो। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। देखिए हमने ये 12 मसा है और करवा चौथ की कहानी पढ़ी है, हाथ जोड़े अब आरती करेंगे। बोलो करवा चौथ गणेश जी की आरती, जगदीश जी की आरती करें। ओम जय जगदी, पहले गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी मां को पुत्र दे निधन को हार जाए भूल जाए और जाए देवा लड्डूअन का भोग लगे संत करे हम तीनों की लाज रखो तम सुधार अमना को पूरी करो जाए बलिहार सूर्यदास शरण आए सुपल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाती पार्वती पिता मान। बोलो गणेश भगवान की, ओम जय जगदीश भगवान की, ओम जय जगदीश हरे सम जय जगदीश हरे भाग्य जनों के संकट क्षण में दूर करे जो धावे फल पाए दुख बिन से मन का सुख सम पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसी की सम
सारा रे गम में किसी तुम्हें मिले और न दूजा प्रभु मिले और न दूजा आते करूं मैं किसी ओम जय जगदीश हर तुम पूरण परमात्म तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण पर तुम करुणा के साथ पालन करता तुम पालन ता मैं मूर्ख खल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरे ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति सम सबके प्राण पति किसे भेद मिलू दया में तुमको मैं कुमुद ओम जय जगदीश हर दीन बांध तुम रख तुम मेरे सम तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पलम ते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा संजत हरो देवा श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की से ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदी बोलो जगदी भगवान की जय बोलो गणेश भगवान की कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम मुठीटा लगे नीर का पाप कटे से बोलो गणपति लगे नीर का।